Good morning, class. This is our new anatomy and physiology class in which today we will start our next part of ENT, that is nose. देखिए हमने sense organ start किए थे, है ना, जिसमें से हमने eye अपना complete कर लिया, topic eye का, nose का complete कर लिया, ear का complete कर लिया, और nose जो है हम अभी इस समय start कर रहे हैं. देखिए सबसे पहले जैसा इसमें दिया हुआ है कि भाई anatomy and physiology of nose, तो nose क्या है? Nose helps us to breathe and to smell. नाक हमें सांस लेने में और स्मेल करने में हेल्प करता है. स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको नोज की, एक्सटर्नल नेजल फ्रेमवर्क जो कि क्या है, एलआर कार्टिलेज इसमें है, लेटरल एरस दिखाई दे रहा है, मीडियल एरस दिखाई दे रहा है, कॉडल बॉर्डर ऑफ सेप्टल कार्टिलेज और फाइब्रोफैटी टिश्यू आपको दिखाई दे रहे हैं. नोज का जो इनर पार्ट होता है माउथ की रूफ के ऊपर होता है, इसका इनर पार्ट. तो नोज क्या है? नोज हेल्प अस टू ब्रीद एंड टू स्मेल एंड द इनर पार्ट ऑफ द नोज इज अबाउट द रूफ ऑफ द माउथ. इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है? नेजल बोन है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, अपर लिटरल नेजल कार्टिलेज है, लोअर लिटरल नेजल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज और लेसर अलार जिसको अपन सेस्मॉइड कार्टिलेज कहते हैं. या अगर अपन जनरली देखें द नोज इज मेड अप ऑफ एक्सटर्नल मीटस, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, सेप्टम, नेजल पैसेजेस एंड साइनसेस, इनका बना हुआ होता है. एक्सटर्नल मीटस क्या चीज़ है? ट्राइंगुलर शेप्ड प्रोजेक्शन इन द सेंटर ऑफ द फेस, जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो तिकोना सा बाहर निकला हुआ प्रोजेक्शन है, फेस के सेंटर में होता है, दाएं बाएं नहीं होता है, फेस के सेंटर में. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू चैम्बर्स हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, टू चैम्बर्स और डिवाइडेड बाय द सेप्टम, बीच में सेप्टा और दो चैम्बर्स हैं, उसको अपन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं. अब सेप्टम मेड अप ऑफ मैनी, मेनली ऑफ कार्टिलेज, जैसा इसमें एलआर कार्टिलेज दिखाया गया, वो मेनली कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज और बोन का, एंड कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, कार्टिलेज और बोन का बना होता है सेप्टम. तो यहाँ पर आपको दिखाई देना, अधिकतर नाम में अपन बोन बोल रहे हैं और कार्टिलेज बोल रहे हैं, तो ये बोन और कार्टिलेज का बना हुआ सेप्टम होता है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है. कार्टिलेज ऑल्सो गिव्स शेप एंड सपोर्ट थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ द नोज, नोज के आउटर पार्ट को शेप और सपोर्ट भी ये कार्टिलेज प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट नेजल पैसेजेस क्या हैं? पैसेज दैट आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग इस पैसेज में रहती है, छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं जो कि एयर को फिल्टर करने का काम आते हैं, इन हेयर्स को अपन सीलिया कहते हैं. और लास्ट वर्ड मैंने बोला साइनसेस, फोर पार्ट्स की एयर फिल्ड कैविटीज़ के फोर पार्ट्स पाए जाते हैं. साइनसेस क्या है? एयर फिल्ड कैविटीज़ के फोर पेयर्स होते हैं जिन पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, उनको अपन साइनसेस कहते हैं. अब इंटरनल नोज, ओपनिंग एंटीरियर नेयर्स और पोस्टियर नेयर्स, जिसको अपन कोआना कहते हैं, तो उसकी ओपनिंग्स हैं एंटीरियर नेयर्स और पोस्टियर नेयर्स की. इंटरनल नोज क्या? उसकी ओपनिंग है. नोज का वेस्टिब्यूली क्या है? लाइंड बाय स्किन एंड कंटेनिंग हेयर फॉलिकल्स. नोज के वेस्टिब्यूली में स्किन से वो लाइंड रहता है, हेयर फॉलिकल्स इसमें पाए जाते हैं. नेक्स्ट जो हमने बोला नेजल कैविटी होती है, प्रॉपर नेजल कैविटी, इसमें लेटरल वॉल, मीडियल वॉल जिसको आप सेप्टम कहते हो, रूफ और फ्लोर होती है. ये जो मैंने अभी तक जितने आपको नाम बोले थे ना, उन्हीं नाम को और बारीकी से अपन स्टडी कर रहे हैं. मैंने नाम क्या बोले थे? एक्सटर्नल मीटस, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल दिए तो मैंने बता दिया. फिर उसके बाद इंटरनल में आता है सेप्टम, नेजल पैसेज और साइनसेस. तो इसमें ये ओपनिंग एंटीरियर नेयर और पोस्टियर नेयर की होती है, नोज की वेस्टिबुली जिसपे स्किन चढ़ी होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और नेजल कैविटी प्रॉपर में लेटरल वॉल, मीडियल वॉल जिसको सेप्टम, और फिर रूफ और फ्लोर होता है इसका.
ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, स्ट्रक्चर में नंबरिंग दी हुई है आपको, ये लाइट ब्लू कलर के सेप्टल कार्टिलेज दिखाई दे रहे हैं, पैरट ग्रीन कलर के एथमॉइड पैलेट है, लाइट ग्रीन के वोमेर पैलेटाइन क्रेस्ट मैक्सिलरी क्रेस्ट वो वोमेरो नेजल कार्टिलेज मीडियल एलार क्रस और अपर लेटरल, ये स्ट्रक्चर है। नाक के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे पढ़ने याद करने में, पर याद तो खैर हमें करना ही है, ये ना फिजियो सब्जेक्ट है, इजी नहीं है, ह्यूमन बॉडी को हम पढ़ रहे हैं जो विच इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। ये देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से भरी भरी से स्ट्रक्चर, बोन काटले सब कुछ, फ्रंटल बोन एथमॉइड बोन स्फेनॉइड बोन पैलेटाइन बोन इन्फीरियर नेजल कॉन्का और मैक्सिला, ये नेजल बोन बताई गई है, एगर नेजी है, ये लेटरल नेजल काटलेज है, मैं यहाँ से देखिए बोलना स्टार्ट करी ऊपर से नीचे आते हुए, ये यहाँ से ठीक है, ग्रेटर एलआर काटलेज है, एलआर फाइब्रोफैटिक टिश्यू दिखाया गया है येलो कलर का। इसके बाद मैक्सिला है, मैक्सिला के अंदर देखिए खूब सारे स्ट्रक्चर्स है, फ्रंटल प्रोसेस है, ऊपर से चलती हुई आ रही है मैक्सिला, फ्रंटल प्रोसेस, एंटीरियर नेजल स्पाइन है, इंसिसिव कैनाल है, पैलेटाइन प्रोसेस, एल्वियोलर प्रोसेस है। अब इसके बाद इसकी बोनी स्ट्रक्चर देखिए, इन्फीरियर नेजल कोको कॉन्का के बाद इसकी बोनी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पैलेटाइन बोन में स्फिनॉइड प्रोसेस, ऑर्बिटल प्रोसेस, पोस्टरल नेजल स्पाइन, परपेंडिकुलर पैलेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट है। स्फिनॉइड बोन के अंदर साइनस मीडियल लेटरल प्लेट्स ऑफ टेरिगॉइड प्रोसेस और हेम्यूलस है। बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन है, स्फिनोपैलेटाइन फोरामन है, स्फिनो एथमॉइडल रिसेस है। एथमॉइड बोन के अंदर क्या है, मिडल नेजल कॉन्का, अनकिनेट प्रोसेस, क्रिबिफॉर्म प्लेट, सुपीरियर नेजल कॉन्का और सुप्रीम नेजल कॉन्का, और यहाँ पर ये लैक्राइमल बोन दिखाई गई है। तो ये सारी हड्डियाँ वड्डियाँ मिलाकर के स्ट्रक्चर बताई गई है। फिर इसी को शॉर्ट में बताया गया, भाई वो वहाँ बोला था अपने एगार नेजी बताया था, एगर नेजी ये एट्रियम है, इसकी वेस्टिब्यूली इन्फीरियर टर्बिनेट एंड मीटस स्ट्रक्चर बताई गई, मिडल टर्बिनेट एंड मीटस और ऊपर सुपीरियर टर्बिनेट एंड मीटस, ये कॉम्प्लिकेटेड सी आपकी नाक। अब जो हमने बोला था साइनस के साथ में, अपन ने ये नेजल वॉल के बारे में पढ़ा था, तो देखिए नेजल बोन के बारे में, तीन से चार बोनी कॉन्की जो है वो कवर्ड हुई भी रहती है म्यूकोसा से, और क्या बनाती है, टर्बिनेट्स बनाती है। इन टर्बिनेट के लेटरल और बिलो साइड में जो स्पेस पाया जाता है इसको अपन मीटस कहते हैं। तो क्या है, तीन चार बोनी कॉन्की म्यूकोसा कवर होकर के टर्बिनेट बनाती है, और इस टर्बिनेट के लेटरल बिलो स्पेस में स्पेस को अपन मीटस कहते हैं। मिडल मीटस के अंदर एक राउंड बुला एथमॉइडलिस होती है जो कि सेपरेट रहती है अनसिनेट प्रोसेस के द्वारा, जिसको अपन हियाटस सेमी ल्यूनारिस कहते हैं, जो कि आगे बढ़ता है। मीटल ड्रेनेज में इंफीरियर मीटस, मिडल मीटस, सुपीरियर मीटस और स्फिनो एथमॉइडल रिसेस आती है। इंफीरियर मीटस में नेजो लैक्राइमल डक्ट, मिडल मीटस में फ्रंटल एंटीरियर एथमॉइड और मैक्सिलरी स्ट्रक्चर है, सुपीरियो मीटस के अंदर पोस्टर एथमॉइड और स्फिनो एथमॉइडल प्रोसेस में स्फिनॉइड स्ट्रक्चर आती है। ये यही वाली स्ट्रक्चर जो हम बोल रहे थे, स्ट्रक्चर देखिए, हियाटस सेमी ल्यूनारिस यूनिएनिट प्रोसेस या अनएनिट प्रोसेस, फ्रंटल साइनस की ओपनिंग दिखाई गई है यहाँ पर, मैक्सिमल साइनस की ओपनिंग, नेजल लैक्राइमल डक्ट की ओपनिंग, एसेसरी ओपनिंग ऑफ मैक्सिमल साइनस, सबकी ओपनिंग इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई गई है, आप देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। ये फिर कॉम्प्लिकेटेड से जिसमें ड्रेनेज दिखाए गए हैं सारे कहाँ से आ रहे हैं, फ्रंटल साइनस से ड्रेनेज आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, कहाँ दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट नंबर, ये रहा भाई। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए सारी,
एंटीरियर सेल्स का ड्रेनेज जा रहा है, नेजो लैक्राइमल का, मिडल सेल्स, मैक्सिलरी साइनस, पोस्टर सेल्स और स्पिनर साइनस का ड्रेनेज। ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स इस स्ट्रक्चर में दिखाए गए, ये कॉम्प्लेक्स माइक्रो आर्किटेक्चरल पाथवे है एथमॉइडल लेबरिंथ के साथ जो कि एंटीरियरली ड्रेन हो रहा है। OMC क्या है? कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल रिसेस प्लस एथमॉइड, इनफंडिबुलम प्लस हाइटस सेमिलुनारिस प्लस अनसाइनेट प्रोसेस प्लस बुला, एथमॉइडल प्लस मिडल मीटस। ये OMC की पैथोलॉजी है जो कि इन्फेक्शन लीड्स टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन करवा देती है। अब OMC के अंदर क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं? कॉन्का ब्यूलोसा होता है जिसको अपन न्यूमेटाइज्ड MT कहते हैं, पैराडॉक्सियल कर्ड मिडल टर्बिनेट होता है, मीडियली टर्नड अनसाइनेट प्रोसेस है, लार्ज बुला एथमॉइडलिस है, हेलर सेल है, एगैर नेजी सेल है और म्यूकोसल पैथोलॉजी है। ये कॉन्का ब्यूलोसा, ये MT दिखाई गई कर्व के साथ में, पैराडॉक्सियली कर्व्ड MT इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। ये कर्व कौन से, ये रहा ये कर्व पार्ट, एरो में दिखाया गया ना, लार्ज बुला एथमॉइडलिस। अब ब्लड सप्लाई अपन पढ़ें इसका, उससे पहले देखिए साइनसिस के बारे में आपको बता दूं। वाटर साइनसिस डेफिनेशन तो मैंने बताई थी कि एयर फिल्ड पॉकेट्स या ये कैविटीज हैं, साइनस कैविटीज हैं या एयर फिल्ड पॉकेट्स होते हैं, नेजल पैसेज के पास में पाए जाते हैं। जैसे नेजल पैसेज मैज इन द नेजल पैसेज द साइनसेज आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइनिंग होती है इनकी नेजल पैसेज के अंदर। चार तरह के साइनसेज हैं, अपन ने बोला चार तरह की कैविटीज है, एथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और स्फिनॉइड साइनस। एथमॉइड साइनस जो है ये फेस के अंदर लोकेटेड होता है, नोज के ब्रिज के एरिया के आसपास। द साइनस इज लोकेटेड इनसाइड द फेस अराउंड द एरिया ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज। ये बर्थ के समय पे प्रेजेंट रहता है और कंटिन्यू ये ग्रो होता रहता है। दूसरी स्ट्रक्चर है मैक्सिलरी साइनस जो कि फेस के अंदर लोकेटेड है चीक के एरिया के आसपास। एथमॉइड कहाँ पे था? नोज ब्रिज के एरिया के आसपास था एथमॉइडल, जबकि चीक के एरिया के आसपास मैक्सिलरी साइनस होता है। ये भी बर्थ के समय पर प्रेजेंट होता है और कंटिन्यू ग्रो होता रहता है। फ्रंटल साइनस जो है वो फेस के अंदर फॉरहेड एरिया में होता है, ये 7 साल की उम्र से पहले डेवलप नहीं होता। और स्फिनॉइड साइनसेस फेस में डीपली लोकेटेड होता है नोज के पीछे, इट डज नॉट टिपिकली डेवलप अनटिल द टीन ईयर्स, टीनेज से पहले ये डेवलप नहीं होता स्फिनॉइड साइनस। जबकि एथमॉइड मैक्सिलरी जन्म के साथ होते हैं और बाद में ग्रो होते रहते हैं। फ्रंटल साइनस से 7 साल की उम्र से पहले डेवलप नहीं होता, स्फिनॉइड साइनस टीन ईयर्स की टीनेज से पहले डेवलप नहीं होता, टिपिकली डेवलप नहीं होता। अब इसके बाद आपकी ब्लड सप्लाई देख लीजिए भाई, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी मेन आर्टरी है, दूसरी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, तीसरी सुपीरियर लेबियल आर्टरी, चौथी एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी और फिफ्थ पोस्टर एथमॉइडल आर्टरी। ये चारों पांचों, ये जो ऊपर की चार है ये क्लासिब्लाच प्लेक्सस बनाती है। ऊपर चार कौन से? स्फिनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, सुपीरियर लेबियल और एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, चारों मिलकर के क्या बनाती है? क्लासिब्लाच प्लेक्स बनाती हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो ये देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑप्थैल्मिक आर्टरी में कन्वर्ट होती है, ऑप्थैल्मिक आर्टरी एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी और पोस्टर एथमॉइडल आर्टरी बना रही होती है। और फिर ये किस तरह सप्लाई हो रही है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, सुपीरियर लेबल आर्टरी और सुपीरियर लेबल सेप्टल ब्रांच को सप्लाई कर रही है। यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी को सप्लाई कर रही है, मैक्सिलरी से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी सप्लाई हो रही है स्फिनो ऑपलेटाइन आर्टरी की ब्रांचेस को ये सप्लाई कर रही है। तो ये कैसे कैसे ब्रांचेस हैं जो आपको डायग्राम में बताई गई है। अगर आपके नोज़ के ब्लड सप्लाई पूछते हैं तो ये वाला डायग्राम, ये वाले स्ट्रक्चर पूरी अच्छे से बनानी है, ये डायग्राम याद करना है आपको। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स आपको नहीं याद होते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए ब्लड सप्लाई का। ये फिर से वैसे तो ये वही वाला स्ट्रक्चर ही है पर फेशियल आर्टरी के साथ में दिखाया गया है, जबकि वहाँ पर
फेशियल आर्टरी और लेबियल आर्टरी वगैरह के साथ में स्ट्रक्चर बताई गई थी। हाँ, ऊपर वाले तो कंडीशन सेम है, नीचे में जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बोल रहे थे वो फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह दिखाई गई हैं। यहाँ पर जो मैक्सिलरी आर्टरी थी उसने स्फिनो पैलेटाइन आर्टरी को सप्लाई किया था, लेसर पैलेटाइन आर्टरी को सप्लाई करते ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी को जो नीचे स्ट्रक्चर में दिखाई गई है उसको सप्लाई करती हुई स्ट्रक्चर बताई गई है। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर जो एक एक पार्ट बताइए कैसे सेप्टल ब्रांच जा रही है, एंटीरियर सेप्टल ब्रांच, एंटीरियर लेटरल ब्रांच, स्कीमेटिक हिंजेस, सेप्टम टर्नड अप, ये स्ट्रक्चर आप स्वयं से देख लें। एक एक चीज़ को बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो आर्टरी ख़त्म हो गया तो अब इसके बाद वीनस ड्रेनेज देखिए। वीनस ड्रेनेज में एथमॉइडल वेन, स्फिनोपैलेटाइन वेन, वुडरफ्स वीनस प्लैक्स और रेट्रोकॉल्यूमिलर वेन। एथमॉइडल वेन्स में ऑप्थैल्मिक वेन कारवीनस साइनस में जा रही है, स्फिनोपैलेटाइन वेन टेरागोइड प्लैक्स से मैक्सिलरी वेन से जुड़ी हैं, वुडरफ्स वीनस प्लैक्स जो है वो मिडल टर्मिनेट के पोस्टर एंड के पास जो लेटरल वॉल है वहाँ पे पाया जाता है, रेट्रोकॉल्यूमिलर वेन कॉल्यूमिला के पीछे होता है। तो ये तो आर्टरी और वेन्स यानी ब्लड सप्लाई ख़त्म। अब सेंसरी नर्व सप्लाई देखिए भाई आपके नेजल पार्ट का, ये लॉन्ग और शॉर्ट नेजो पैलेटाइल नर्व्स इसमें पाई जाती हैं, ग्रेटर पैलेटाइल नर्व होती है, इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व की ब्रांचेस होती है, एंटीरियर एथमॉइडल नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व इसमें पाई जा रही होती हैं। ये स्ट्रक्चर में दिखाई गई ऑल्फैक्टरी नर्व, एथमॉइडल नर्व, ये सारे जो मैंने नाम लिए यहाँ पर दिखाए गए हैं, इन्फ्रा ऑर्बिटल, ग्रेटर पैलेटाइन, नेजो पैलेटाइन नर्व्स और उनकी ब्रांचेस बताई गई। ये डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए, अच्छा डायग्राम है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब दिखाया गया जिसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व्स निकल रही हैं, स्फिनो पैलेटाइन गेंगलिया दिखाए गए हैं यहाँ पर, इन्फ्रा ऑर्बिटल नर्व बताई गई है और एंटीरियर एथमॉइडल नर्व बताई गई हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई देखिए आप, डीप पेट्रोजल नर्व जो कि सिंपैथेटिक प्लस ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व जिसको अपन पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑटोनॉमिक में यही आएंगी, ये वाइडियन नर्व से जुड़ रही हैं, फिर टैरोगो पैलेटाइन गैंग्लिया और फिर फाइनली नेजल ग्लैंड्स के साथ में कनेक्ट हो रही है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिससे कि नेजल सिक्रीशन कम हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वैसो डायलेशन करेगा और नेजल सिक्रीशन को बढ़ा देगा। एपिथीलियम की लाइनिंग देखिए, स्किन की लाइनिंग नेजल वेस्टिबुल में पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम अपर वन थर्ड नेजल कैविटी में सुपर टर्बिनेट के ऊपर होती है, और रेस्पिरेटरी एपिथीलियम के साथ जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है जिसको अपन स्यूडो भी कहते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखिए, एक्सटर्नल नोज और एंटीरियर नेजल कैविटी सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन होती है, रिमेनिंग नेजल कैविटी अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, नेजल रूफ डेंजरस एरिया है ये नोज का जो कि सब एरेक्नॉइड स्पेस है ऑल्फैक्टरी नर्व के साथ में। अब पैरा नेजल साइनसिस देखिए, इसमें एंटीरियर और पोस्टर ग्रुप होता है, एंटीरियर ग्रुप में फ्रंटल एंटीरियर एथमॉइडल और मैक्सिलरी ग्रुप पाया जाता है, और पोस्टर ग्रुप के अंदर पोस्टर एथमॉइडल और स्फेनॉइड ग्रुप होता है। ये साइनसिस फ्रंटल साइनसिस ये जो मैंने आपने बताया था ना अभी आपको देख लीजिए, स्फेनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस कहाँ कहाँ पर लोकेटेड, और ये आई सॉकेट दिखाया गया है। ये सारे साइनसिस देखिए भाई जो मैंने आपको बताया था, मैं एक बार वापस से इन साइनसिस को आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या बताया था। देखिए मैंने कहा था एथमॉइडल साइनसिस जो आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर है, ये अंदर साइड नोज़ की ब्रिज के चारों तरफ, तो देखिए नोज़ के ब्रिज के चारों तरफ आपको एथमॉइडल साइनस दिखाई दे रहा है, बर्थ के साथ प्रेजेंट तो लगातार ग्रोथ है। मैक्सिलरी साइनस कहाँ पर है भाई, चीक्स के एरिया, देखो चीक में एम लिखा हुआ है ना, चीक में एम दिखाई दे रहा है आपको, एथमॉइड ई से इंडिकेट किया गया, चीक में मैक्सिलरी साइनस है जो कि चीक्स के चारों तरफ होता है, बर्थ के समय भी प्रेजेंट होता है, कंटिन्यू ग्रो होता है। नेक्स्ट फ्रंटल साइनसेस कहाँ पर है भाई, आपके फॉरहेड में एफ दिखाया गया है, फॉरहेड के अंदर दिखाया गया है, और ये 7 साल की उम्र में तक जो है फुली डेवलप नहीं होता है, उसके बाद डेवलप होता है। और लास्ट स्फिनॉइड साइनसेस
फेस में डीप पाया जा रहा होता है, गहरे तक स्फिनर सेनेसिस, और टीनेज के अंदर ग्रो होना स्टार्ट होता है। अब पीएनएस का डेवलपमेंट देखिए, ये जो अपन बोल रहे थे, मैंने अभी जितने पॉइंट्स बोले वो यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए मैक्सिलरी ये आपको 4 महीने के एक्सरे में भी दिखाई देगा और एडल्ट साइज़ 15 साल तक में एडल्ट पहुँच जाता है। एथमोइडल बर्थ समय होता है 1 साल की उम्र में, एक्सरे में दिखाई देता है 12 साल तक पहुँच जाता है अच्छे से। स्फिनॉइड 4 साल की उम्र में दिखाई देने लगता है, 18 साल तक बेस्ट हो जाता है। फ्रंटल 6 साल की उम्र में दिखाई देता है, 15 साल में बेस्ट हो जाता है। स्फिनॉइड 2 साल की उम्र में शुरू होता है जबकि फ्रंटल 4 साल की उम्र में बनना शुरू हो रहा है। बस यहाँ पर ये आपकी साइनसेस वाली स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म होती है। तो ये एनाटॉमिकल पार्ट अपन ने नोज़ का कर लिया है, अब रिमेनिंग पार्ट करना बाकी है। नोज़ ख़त्म हुआ नहीं है, एक क्लास में नोज़ हो भी नहीं सकता। सोचो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी, ऐसी टफ सी स्ट्रक्चर एक साथ कैसे ख़त्म होगी। रिमेनिंग अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।